क्या बात क्या है केशव? सुबह से देख रहा हूँ बड़े दुखी नजर आ रहे हो। क्या करूँ गोखले, आजकल कोकी ने सोशल वर्क शुरू कर दिया है ना। मतलब सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो कोकी फौरन दखल देती है। अरे तो फिर अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ देखो कोई भी दखल नहीं देता। पिछले 10 साल से ब्रीडिंग का पेंटिंग नहीं हुआ है। कोकी भाभी अच्छा काम कर रही है। अरे क्या खाक अच्छा काम कर रही है। तू जानता है कोकी की वजह से हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ मेरे संबंध बिगड़ गए। वो कहता है केशव कुलकर्णी या तो अपनी बीवी को संभालो या फिर तुम सेक्रेटरी बन जाओ। तो फिर बन जाओ सेक्रेटरी। अरे क्या सेक्रेटरी बन जाओ, कितना डिफिकल्ट काम है। तू जानता है रात को 12 बजे भी किसी के घर से कॉकरोच निकला ना तो सेक्रेटरी को झाड़ू लेकर नीचे बुलाते हैं। केशव तू एक आइडिया कर, कोकी भाभी को सेक्रेटरी बना दे। ए गोखले, जब से कोकी ने सोशल वर्क शुरू किया है ना मुझसे ज्यादा कोकी को रिस्पेक्ट मिल रही है। हाँ वो सेक्रेटरी बन जाएगी तो क्या होगा, मेरी हालत दिलरुबा जैसी हो जाएगी। सेक्रेटरी चल। ये गोखले लगता है हम गलती से गलत बिल्डिंग में आ गए। मेरे वाली कहाँ गई? कोकी, अरे कोकी क्या बात है कंदा मौसी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बात ये है। अच्छा तुम पहले बैठो जरा शांति से बैठो। हाँ, हाँ, हाँ। और अब बताओ क्या हुआ? बात ये है कि एक गुंडे ने मोहल्ले वालों को परेशान कर रखा है। कहीं तुम केशु की बात नहीं ना कर रही हो? नहीं, तो गुंडे तो इसीलिए पैदा होते हैं ना कि वो लोगों को परेशान करे। है, कौन है वो गुंडा? वो मुझे पता नहीं। हाँ? लेकिन सामने रास्ते पे खड़ा रहता है और आने जाने वाली हर जवान औरत को छेड़ता है। तो तुम क्यों कंप्लेंट कर रही हो? तुम्हें छेड़ा? मैंने लड़की को छेड़ा। अच्छा, अरे तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो ना। पुलिस से सब लोग डरते हैं। क्यों? कल मेरा दामाद कंप्लेंट करने गया था तो उसे चोर समझकर अंदर डाल दिया। वो दिखता भी थोड़ा वैसे ही है ना। ओके सॉरी सर, बताओ क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मेरे पति का पहचान वाला एक बड़ा चोर है, उसने जाकर इंस्पेक्टर से कहा कि ये आदमी चोर नहीं है, तब कहीं जाके उसे छोड़ा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक चोर की सिफारिश से तुम्हारा दामाद छूट गया। वो कुछ भी हो लेकिन गुंडों का बंदोबस्त हमेशा पुलिस ही करती है। अरे ये केस पुलिस के हाथ से निकल चुका है, अब तो तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ओके। गंगा मौसी तुम एक काम करो। हाँ। तुम्हारी बेटी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार हो ना। हाँ। तो उसके पहले मुझे आकर इन्फॉर्म करना। अरे अभी थोड़ी देर में वो लोग पिक्चर देखने जाने वाले हैं। ओके। हाँ? कोकी क्या हुआ? डोंट डिस्टर्ब मी गंगा मौसी, मुझे सोचने दो, तुम जाओ अभी। हाँ। सोचो क्या अदा क्या चल वे तेरे पार। ए जी ये मवालिया ना, ये हमेशा चेड़ता रहता है मुझे। मवाली लोगों के पास बड़ा चाकू होता है तो उसकी तरफ देखो ही मत। चलो चुप जाओ। क्या अदा क्या जल वे तेरे पार ओ पारू, दिल के टुकड़े हो गए हजार। ए पारू नहीं, लड़की को छेड़ता है? नहीं, वो तो अपुन का बहन का माफक है ना। बहन का माफक है ना। तो कल से अगर मुझे इस एरिया में दिखाई दिए ना तो एक झापड़ लगाऊंगी। ओए इधर आओ। वो गुंडा तुम्हारी बीवी को छेड़ रहा है और तुम उसी को डांट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें क्या? आती है। चलो निकलो यहाँ से। चलो जल्दी। आवाज आहिस्ता। चलो। क्या गंगा मौसी गजब के नमूने लाते हो तुम अपनी फैमिली में। नसीब। सेक्रेटरी साहब आजकल पानी बहुत जल्दी जा रहा है, आप कुछ कीजिए ना। अरे वो तो मैं सेक्रेटरी बनूंगी ना तब करके दिखाऊंगी। आधे घंटे के अंदर अगर पानी नहीं आया तो मैं सोसाइटी की सारी औरतों को इकट्ठा करके आपके घर पहुंच जाऊंगी, समझे? अरे तुम ये क्या कर रही हो कोकी? इसी तरह तुम सबके साथ झगड़ती रही तो इस सोसाइटी में मैं अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। सुनो केश, दरअसल ये बात मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। क्या मतलब? वैसे भी पानी नहीं आएगा तो भी तुम्हारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बहुत बोलती हो तुम कोकी, बहुत बोलती हो, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। केशु प्लीज, ये सारा रोब जो मुझ पर जमा रहे हो ना जाकर सेक्रेटरी पर जमाओ, कम से कम पानी की कंडीशन सुधर जाएगी। लेकिन सेक्रेटरी खुद के भी तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्रेटरी को, अगर उनके घर में पानी नहीं आएगा तो एक एक वॉचमैन उनको पानी लाके देता है, मगर हमारे घर पे कोई नहीं आएगा। और तुम्हारी बात तो अलग ही है ना, तुम तो डायरेक्ट प्रेमा जी के घर पे जाकर आ सकते हो। ठीक है। शांति रखो। मामी मामी मामी, ये लो आ गया फायर ब्रिगेड। क्या है चिंटू? मम्मी हमारे नल में पानी आ रहा है। देखा पानी आ गया कि नहीं? मिस्टर केशव कुलकर्णी, वो इसलिए कि मैंने सेक्रेटरी को फोन पे झाड़ा। ठीक है। अभी आप जाइए ना, लीजिए, बदन से बदबू आ रही है। बदबू? ओ मैडम, मेरे बदन से बदबू नहीं आ रही है, ये बदबू नीचे जो गटर खुली है उससे आ रही है। यानी कि नया प्रॉब्लम। ये क्या कर रही हो कोकी? प्लीज केशव मुझे सोचने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ यहाँ से।
ठीक है, सोचो सोचो। देओ, देओ। क्या है डॉल? Where is this bubble coming from? It's terrible. लगता है हमारे एरिया के गटर लीक कर रहे हैं आजकल। Oh no! How can I stay in this माहौल? No, हम ये फ्लैट बदल देंगे। डॉल, हम अपना फ्लैट क्यों बदलें? हम अपना माहौल ही चेंज कर लेंगे ना? Yes, of course. हम अपना फ्लैट क्यों बदलें? अगर हम अपना फ्लैट बदल देंगे तो तुम अपनी कौ की चीज से कैसे मिलोगे? डॉल, ये ना भूलो कि वो कौवा भी तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता है हर समय। That is not the case. केकुजी, हेलो प्रेमा जी, ऑफिस जा रहा हूँ। बॉय केकुजी, बॉय। अच्छा बाय। टाटा। केकड़ा गिर गया गटर में। गॉन इन द गटर। गटर कमाल कटर में। चुट्टे का मतलब क्या होता है गोखले? कामचोर, कामचोर। क्या बात कर रहे हैं सर, आप मुझे कामचोर कह रहे हैं? अरे मुझे ऐसा काम तो कोई नहीं करता। ठीक कह रहा है तू चुट्टे, तू जितनी मिस्टेक करता है ना उतनी मिस्टेक कोई नहीं करता। गोखले, ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ सर, मुझे भी आ रही है। लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। लगता है कहीं कोई बहुत बड़ा जानवर मर गया है। लेकिन सर आप तो जिंदा हैं। तेरे ही बदन से बदबू आ रही है चोटे। ये आप क्या कह रहे हैं सर, आज तो मैं नहा के आया हूँ। अबे तू जब से मेरे केबिन में आया है तभी से बदबू आ रही है। हाँ गुस्सा मत करना केशव, लेकिन शर्मा साहब ठीक कह रहे हैं। क्या कर रहा है गोखले, तू भी शर्मा साहब के साथ जुड़ गया? लेकिन यार केशव रियली है। इसका मतलब ये हुआ उस गटर की बास मेरे साथ घूम रही है। गटर? कैसा गटर? अरे ये तो खुद ही मोबाइल गटर है। ए शर्मा जी, आप हद से बाहर जा रहे हैं। अबे तू केबिन से बाहर जा चोटे। चोटे चोटे मत बोल मोटे। मुझे एक बात बता केशव, इतनी बास कैसे आ रही है? अरे क्या बताऊं गोखले, हमारे बिल्डिंग का एक गटर टूट गया है। तो आज ऑफिस आते आते मैं प्रीमा जी को टाटा कर रहा था और गटर में गिर गया, लेकिन यहाँ आके मेरे कपड़े साफ किए थे। भानगर मत कर, ज्यादा भानगर मत कर, भाग यहाँ से चुट्टा। कहेगा चुट्टा चुट्टा मत बोल, अगर आप मुझे जबरदस्ती यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे तो मैं यही बैठूंगा, आपकी गोद में बैठूंगा। चुप कर, मालूम नहीं तू पागल है क्या? और नहीं तो क्या? इडियट। बस आप लोग इसी तरह छींकते रहिए या तो फिर नाक पर रुमाल लेकर खड़े रहिए, लेकिन कंप्लेंट करने कोई नहीं जाएगा। लेकिन कोकी जी, कल मैं गटर के बारे में कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन गया था, वो सब लोग हंसने लगे। अरे दिलरुबा जी, आप गटर के कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तो लोग हंसेंगे ही ना। आपको म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में चले जाना चाहिए था। वहाँ तो मैं कभी नहीं जाऊँगा। क्यों? पता, मैं एक दफा वहाँ गया था अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए। हाँ। तो उन्होंने मेरे हाथ में मेरा डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। ऐसा कैसे हुआ? उन्होंने कहा तुम पैदा तो हो ही गए हो, अब एक ना एक दिन तो मरने वाले हो, डेट मरने के बाद डाल लेना। अच्छा चलो मजाक छोड़ो, आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो हम अभी चलते हैं ना वार्ड ऑफिसर से मिले। हाँ। दिलरुबा जी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? घर पे डॉल के गेस्ट आ रहे हैं, मुझे इनके लिए खाना पकाना है। अच्छा, तो गफर भाई आप तो चलिए मेरे साथ। मैं नहीं, मेरा तो धंधे का टाइम हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है ना। कौन सा बिजनेस करते हैं आप? परफ्यूम्स, अत्तर बनाता हूँ। ये इन्हीं का बनाया हुआ है। पता है जब से हमारे इलाके के गटर लीक होने शुरू हुए हैं इनका धंधा डबल हो गया है। तो कमल तुम चलो। नहीं कोकी जी, आज नहीं, आज ना मैं इनके साथ सिनेमा देखने जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। अरे ऐसे क्या करते, रुको रुको ना। देखो चले गए कोकी। कोकी मैं चलती हूँ। क्या कह रही हो गंगा मौसी, ये हुई ना बात। अगर हमारे पास सिविक सेंस किसी के पास है तो वो सिर्फ तुम हो। सिविक सेंस की बात नहीं है कोकी, बात ये है कि मेरी बहू आज ही मायके से आई है। हाँ। अगर मैं घर में रही तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। कोकी जी, मैं क्या बोलता हूँ? क्या बोलते हैं? कोकरियों।
भाषा सही है। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ जाने से पहले एक बार फोन तो कर लीजिए। 10 बार फोन कर चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ। अभी मुझे लगता है डायरेक्ट जाकर मिलना चाहिए। चलो गंगा मौसी, चलो। मैं नहीं जाता, तुम लोग खाओ म्युनिसिपैलिटी के धक्के। क्या मैडम, कहिए क्या कहना है आपका। हम जुहू के रोड नंबर 5 की गुलमोर सोसाइटी में रहते हैं। अरे रोड नंबर 5 जी। अच्छा, रोड साफ सुथरा है। चुप रहिए, जो कह रही हूँ उसे सुनिए। अच्छा। मेरा नाम कोकिला कुलकर्णी है। शायद ये भी कहीं सुना है। क्या मेरा नाम? हाँ। बराबर है, क्योंकि मैं रोज आपको फोन पर कंप्लेंट कर रही हूँ कि हमारे एरिया का गटर खुल गया है, उसे जल्द से जल्द रिपेयर करवा दीजिए। करते ना। कब? कर रहे हैं। कब? हमारे बच्चे बीमार हो जाने के बाद। पता है, जब से वो बदबू आने लगी है मेरी बेटी को वॉमिटिंग होने लगा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। किस लिए? शायद वो माँ बने। शट अप मिस्टर घोटीकर, आप उस गटर के बारे में कुछ करेंगे या नहीं? करते ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैडम। क्या? हमारे पास आदमी नहीं है। वो आपका प्रॉब्लम है। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि अगर उस गटर में हमारा कोई भी बच्चा गिर गया या कोई भयानक बीमारी फैल गई तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे आप। चलो गंगा मौसी, चलो। एक पॉकेट आने वाला था, आ जाएगा। नाक जल जाएगा तो आ जाएगा। कितनी बदबू आ रही है कुकी। गटर का कुछ करो ना, कितनी बदबू आ रही है। तुम म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में गए थे? नहीं, मेरे पास फुर्सत कहाँ है। तो कहाँ गए थे दोपहर? अब प्रेमा जी की शूटिंग देखने के लिए गए। तो प्रेमा जी की शूटिंग जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त है और कंप्लेंट करने के लिए नहीं है? अरे लेकिन मैं क्यों कंप्लेंट करूँ, सोसाइटी में और भी तो मेंबर्स हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि इसीलिए तो ये हालत हुई है। ठीक है ठीक है, छोड़ो, धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी। क्या? हाँ आदत सी हो जाएगी। जानती हो कोकी, एक बार मैं छोटा था तब हमारे घर के नीचे की गटर का पाइप भी इसी तरह टूट गया था। इतनी बदबू आ रही थी 2 महीने तक कंप्लेन की पिताजी ने, कुछ नहीं हुआ। इतनी बदबू, घर में कोई चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ जानती हो? उस बदबू की घर में सबको आदत सी हो गई, वो बदबू खुशबू में बदल गई। हाँ, और 2 महीने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कोकी, क्या देख रहा हूँ? एक दिन वो गटर का पाइप रिपेयर हो गया, बदबू बंद हो गई। और जैसे ही बदबू बंद हो गई, घर के सारे मेंबर्स बौखला से गए। कोई चैन की सांस नहीं ले पा रहा था, किसी को नींद तक नहीं आ रही थी। एक दिन गुस्से में रात को मैं जागा, इतना बड़ा हथौड़ा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चुपके नीचे गया। नीचे जाकर मैंने यहां वहां देखा तो सामने एक कुत्ता मेरी और गुस्से से देख रहा था, बड़े खुन्नस से देख रहा था। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया, उस कुत्ते को एक लात मारी और उसे भगा दिया। बाद में यूं बड़ा हथौड़ा उठाया और गटर के पाइप पर यूं दे मारा, पाइप टूट गया और बदबू आनी शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता चोरी चोरी चुपके मैं घर में चला आया। और घर में आया तो मैं क्या देखता हूं, घर के सारे मेंबर्स चद्दर ओढ़ के चैन की नींद सो गए और मैं भी चद्दर ओढ़कर चैन की नींद सो गया। हो गई तुम्हारी स्टोरी पूरी? अब एक काम करो। क्या? तकिया बिस्तर उठाओ और इस गटर के पास जाकर सो जाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है कोकी। कल छुट्टी ले लो, केशु वार्ड ऑफिसर को मिलने जाना है। नहीं, मेरे पास छुट्टी वुट्टी नहीं है। क्या झूठ बोलते हो? हेलो, कौन? प्रेमा जी? हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, केशु नहीं आ सकता शूटिंग के लिए, नहीं उसके पास छुट्टी नहीं है। एक मिनट। हेलो प्रेमा जी, मैं अब्बास भाई। ए इधर कोई अब्बास भाई नहीं रहते, चल कट कर इंडिया। तुम्हारे जैसा झूठा और कामचोर आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, अब एक काम करो। क्या? मुझे माचिस ला के दो। किस लिए? मुझे 4-5 अगरबत्ती जलानी है, बहुत बदबू आ रही है। क्यों? कोई जरूरत नहीं, आदत हो जाएगी। क्या है डॉल? लो, मैं तो वहाँ हूँ और तुम यहाँ पर। ओहो, नहीं ये तुम्हारा ओहो नहीं है, ये गटर के लिए ओहो है। यहाँ गटर से इतनी बदबू आ रही है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है इसके बारे में? कोकी जी कर रही है ना? हाँ बहुत मेहनत कर रही है वो। कोकी जी? हाँ, तुम ऐसे ही कह रहे होगे, आई डोंट बिलीव इट। मैं टेलीफोन करती हूँ। करो, मेरी भी बात करवा देना। चप्पा चप्पा चरखा चले,
जब जब चरखा चले यारा रे। ये मेरे गाने की वाट लगा दी, लगता है इस बदबू ने सबके दिमाग खराब कर दिए। हेलो हेलो केक जी, मैं प्रेमा। प्रेमा जी कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? केकू जी बाहर के गटर से इतनी बदबू आ रही है, आप इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? कर रहा हूँ ना प्रेमा जी, कर रहा हूँ। देखिए मुंह पे रुमाल तो लगा लिया है, अब गटर के पास जाकर अगरबत्ती भी जलाने वाला हूँ। फोन मुझे दे दो। एक मिनट फोन मुझे दो। अरे तू तो दादागिरी मारने लगी कोकी। हेलो प्रेमा जी। हेलो कोक जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कोक जी बाहर गटर से इतनी बदबू आ रही है, आप इसके बारे में कुछ कर रहे हैं नहीं? प्रेमा जी ये सवाल आपको वार्ड ऑफिसर से करना चाहिए जिसके अंडर ये एरिया आता है। एक्चुअली यू नो व्हाट कर्क जी, मैं शूटिंग में बहुत बिजी थी। यही तो दुख है ना, कोई शूटिंग में बिजी है, कोई शूटिंग देखने में बिजी है, कोई बच्चों को पढ़ाने में बिजी है, सोशल अवेयरनेस ही नहीं है किसी के पास। अब आप ही बताइए ना कर्क जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ कर सकती हूँ क्या? कुछ नहीं तो कम से कम एक फोन तो कीजिए उसको। मैंने फोन किया था वार्ड ऑफिसर को, बट यू सी यू नो मेरा नाम सुनते ही वार्ड ऑफिसर कहने लगा कि प्रेमा जी आपके खुशबू सारे समाज में फैली हुई है, यू नो एटसेट्रा। अब इस बात के बाद मैं गटर के बदबू के बारे में कैसे बात कर सकती थी, यू नो। तो ठीक है, सुनती रहिए बदबू। फोन रख दिया कोकी जी ने। देखो ये तुम्हारी कोकी जी है, दिन भर दिन रूड होती जा रही है। हेलो, हाँ कहिए प्रेमा जी। हेलो अब्बास भाई, रॉन्ग नंबर। चप्पा चप्पा चरखा चले यारा रे। ये तेरी तो क्या बात कर रही हो डॉल, कोकी जी तो दया की मूर्ति हैं, उनका मन कितना चंगा है, वो तो कमाल की औरत है। तेओ ड्रीम सीक्वेंस से बाहर आओ, रियलिटी देखो। मेरे लिए देखो। गंगा मौसी, कमल विमल सभी सुन लो, अभी तक उस वार्ड ऑफिसर ने हमारा गटर बंद नहीं किया है। अरे बंद करने की क्या बात कर रही हो, आज तो दूसरा गटर भी खुल गया। क्या कह रही हो? हाँ मेरा दामाद बेचारा उसमें गिर गया। तुम्हारे दामाद को तो उस गटर में डूब के मरना चाहिए। और नहीं तो क्या गंगा मौसी, जो आदमी अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता वो मोहल्ले के लिए क्या अच्छा काम कर सकेगा। अच्छा अब तुम ही बताओ क्या करें। ये बोतल ले लो और इसमें गटर का पानी भर कर लाओ। छींची करने से काम नहीं चलेगा गंगा मौसी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। रास्ता नंबर एक का गटर पॉकेट नहीं आया, काम नहीं होगा। रास्ता नंबर दो का गटर पॉकेट आया, शायद हो जाएगा। रास्ता नंबर तीन खोद के रखा है, आज चुकी है। मिस्टर घोटीकर। हाँ मिस्टर घोटीकर। मैडम आज क्या शिकायत आपकी? अच्छा यानी पिछले 10 दिन से मैं रोज यहाँ चक्कर काट रही हूँ ये कहने के लिए कि हमारा गटर रिपेयर कर दो, तो आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैडम शिकायत क्या है? अच्छा तो अब तक वो गटर बंद नहीं हुआ? नहीं हुआ है। गड़बड़ वाली बात है। अच्छा एक काम करते हैं। क्या? मैं आज के आज आदमी लोगों को भिजवाता हूँ। जाइए जाइए, ये बात मैं 10 दिन से सुन रही हूँ। 10 मिनट में भिजवाता हूँ, 1 मिनट। हेलो, अरे कोई है वहाँ? भांडो धोंडो कोई भी नहीं, निकल गए। चलो अच्छा वो एक काम हो गया। क्या? मेरा मतलब है अगर आप 15 मिनट पहले आ जाती तो आज का आज आपका काम हो जाता। अच्छा अच्छा, यानी गलती हमारी है ना। कोई बात नहीं, एक दिन और सही, तब तक हम एक काम करते हैं। अच्छा हाँ, हम हमारा जो गटर है ना उसके गंदे पानी की बदबू आपस में शेयर करते हैं। मतलब ये कि उस गटर का पानी मैं ऑफिस में छिड़कने वाली हूँ और सैंपल के तौर पर थोड़ा सा आप पर छिड़कने वाली हूँ। ये अच्छा नहीं। बोतल निकालो। ये क्या कर रहे हैं आप? यही करना चाहिए था मुझे। अगर
हमारा गटर आज के आज रिपेयर नहीं हुआ तो इसी पानी से मैं आपको नहलाऊंगी। डालू क्या डालू? आज के आज गटर रिपेयर हो जाना चाहिए। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? हो जाएगा। हाँ सामने का गटर भी बंद हो गया। थैंक यू वेरी मच। ओके यू आर वेलकम। दरअसल बात बहुत ही सिंपल होती है, थोड़ी सी सोशल अवेयरनेस और इनिशिएटिव की जरूरत होती है, जो अवेयरनेस मैंने दिखाई। ऑफ कोर्स आप लोगों का भी उसमें सहकार्य रहा, फिर भी कहने का मतलब। मम्मी 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 क्या है चिंटू? इनके गटर तो ठीक हो गए लेकिन हमारा टॉयलेट चोक हो गया।